नमस्कार, आप देख रहे हैं ENN भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिता। लालच पूरी बला है, लेकिन सत्ता का लालच है कि मन से जाता ही नहीं। राजस्थान के राजनेताओं के संदर्भ में ये लाइनें एकदम सटीक बैठ रही है। पार्टी चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या RLP हो, सभी पार्टियों में नेताओं के बीच लड़ाई है तो बस मुख्यमंत्री बनने की। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तो जग जाहिर है, लेकिन अब दूसरी पार्टियों के नेता इस लड़ाई का फायदा लेने की सोचने लगे हैं। सबको पता है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट की फेस वैल्यू क्या है। सचिन पायलट अगर कांग्रेस छोड़कर किसी भी पार्टी में जाते हैं तो उनके पक्ष के सारे वोट उसी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होने के कारण ही राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को एक ऑफर दिया है। ऑफर है, या तो सचिन पायलट उनकी पार्टी में शामिल हो जाए या अपनी खुद की अलग से पार्टी बना ले, तभी वे अपना CM बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। दरअसल इन दिनों हनुमान बेनीवाल राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा का विकल्प खड़ा करने की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में समान विचारधारा रखने वाले दलों के नेताओं से लगातार बैठकें कर गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी सिलसिले में हाल ही में उन्होंने सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना से इस प्रस्तावित गठबंधन का हिस्सा बनने की अपील की है। बेनीवाल ने कहा कि किरोड़ी और पायलट RLP का दामन थाम ले तो उनका स्वागत है। उन्होंने आगे कहा कि अगर पायलट और किरोड़ीलाल मीना उनकी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते तो वे अलग पार्टी बना सकते हैं और बाद में RLP के साथ गठबंधन कर भारी बहुमत से सरकार बना सकते हैं। मैं गठबंधन धर्म निभाने के लिए तैयार हूँ। फैसला किरोड़ीलाल मीना और सचिन पायलट को करना है। इतना ही नहीं, हनुमान बेनीवाल ने पूरे विश्वास के साथ दावा किया है कि अगर सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीना उनके साथ मिलते हैं तो वो 200 विधानसभा सीटों में से 140 सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। इसी के साथ सचिन पायलट को सलाह देते हुए हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा कि अब यदि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाए तो वे कुर्सी ना संभाले, क्योंकि गहलोत गुट उन्हें चैन से नहीं रहने देगा। CM बनकर भी सचिन पायलट राजस्थान को अब सुधार नहीं सकते। पायलट को खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पायलट अब आखिर किसका इंतजार कर रहे हैं। 6 महीने बाद तो प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी। वैसे ही अफसरों ने कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों का सुनना बंद कर दिया है। ऐसे में पायलट को हमारी बात पर गौर करना चाहिए। हनुमान बेनीवाल भले ही कुछ भी कहे, लेकिन सचिन पायलट ने तो साफ कर दिया कि ना तो वे पार्टी छोड़ेंगे और ना ही मुख्यमंत्री बनने का सपना। उनका जवाब आप खुद सुन लीजिए। और कुछ लोगों को उन्हें गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, उन्हें गुमान है कि हमारी उड़ान कुछ कम है, और मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। 36 करोड़ के लोगों के साथ मिलकर एक बेहतर राजस्थान बनाना है, सरकार दोबारा हम लोग बनाएंगे। इशारों ही इशारों में सही, लेकिन पायलट ने साफ तौर पर गहलोत को कह दिया है कि उनकी उड़ान कम नहीं है, वे लंबी उड़ान जरूर भरेंगे, यानी कि वे मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। वहीं दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की, तो आला कमान अभी भी पायलट वर्सेज गहलोत का समाधान नहीं कर पाया है। पायलट गुट के नेताओं ने तो अब सीधे तौर पर ही अपनी पार्टी और गहलोत गुट पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीते दिनों ही पायलट गुट के नेता राजेंद्र गुड्डा ने गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा, 100 में से 21 नंबर लाए वे फेल हो जाता है, जो 200 में से 21 लाए फिर भी वे पास, जो 21 सीट को 100 में बदल दे वे निकम्मा कैसे हो गया, हम ये कैसे भूले। इसी के साथ गुड्डा ने आगे कहा कि नौजवान हाईकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जो बच्चा पहली बार वोटिंग करेगा वह भी, और जिसका वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है वे भी पूछ रहा है कि पायलट साहब CM कब बन रहे हैं। जब जब सत्ता के गलियारों में अन्याय होता है, जनता के बीच उस व्यक्ति के प्रति साख और इज्जत बढ़ती है। राजस्थान का नौजवान चाहता है कि राजस्थान की तकदीर का फैसला पायलट करे। ऐसे में अब आलाकमान को भी अपना फैसला सुना देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ SC आयोग के अध्यक्ष और बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बेरवा ने खुलकर सचिन पायलट को CM बनाने की मांग उठाई है। बेरवा ने कहा, सचिन पायलट को कमान मिल गई तो 40 सीटें मध्य प्रदेश में बढ़ जाएगी। जहां भी जाते हैं लोग पूछते हैं पायलट की ताजपोशी कब होगी। हम जनता को जवाब देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आलाकमान सब देख रहा है, वे जल्द ही इस पर फैसला भी लेगा।
इन सब को देखते हुए हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, जो कुछ इस तरह से हैं कि क्या अब कांग्रेस आलाकमान पायलट के समर्थन में अपना फैसला सुनाएगा, या हनुमान बेनीवाल की बात मानकर सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बनाएंगे। पर जो भी हो, अब राजस्थान का ये चुनावी संग्राम देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान की राजनीति से जुड़ी इसी तरह की खबरें देखने के लिए ENN भारत को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।